छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। धान खरीदी के मुद्दे विपक्ष सरकार पर हमलावर हैं। इस दौरान भाजपा के विधायक काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे। विपक्ष के सदस्यों ने इस दौरान खूब हंगामा किया और गर्भगृह तक पहुंच गए। विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए तख्तियां लहराई। विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वे नारेबाजी ही करते रहे। इस पर सदन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इससे पहले भाजपा और संयुक्त विपक्ष के सदस्यों ने धान खरीदी को फिर से शुरू करने की मांग की। विपक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 1,34,212 किसानों का धान अभी भी खरीदा नहीं गया है। उन किसानों का धान सरकार को खरीदना चाहिए। भाजपा ने इस मामले में मुख्यमंत्री से बचे किसानों का धान खरीदी की घोषणा करने की मांग की। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार बने एक साल ही हुआ है और किसान आत्महत्या की अनुमति मांग रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को सरकार के मंत्री शिव कुमार डहरिया दलाल कह रहे हैं। ये असंसदीय है, मंत्री को माफी मांगना चाहिए। जेसीसी विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सरकार कोचिया कह रही है, उनके धान की जब्ती बनाई जा रही है, किसान सड़कों पर लेटने को मजबूर हो रहे हैं। विपक्ष की मांग पर सदन में जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार ने किसानों के 83,00,000 मैट्रिक टन धान खरीदा है। अगर आपको किसानों की इतनी ही चिंता है तो आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले। इतना सुनते ही विपक्षी सदस्य फिर से शोर शराबा करने लगे। हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्पीकर स्थगन की सूचना पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहते। दरअसल विपक्ष ही चर्चा से भागना चाहता है। हम चाहते हैं कि किसानों के इस मामले पर सदन में चर्चा हो, लेकिन विपक्ष खुद पलायन करता दिख रहा है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।